दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, गन्ने का रस जलकर गुड़ बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये गन्ने का रस आप लोग देख सकते हैं, ये उतर चुका है नीचे और थोड़ा सा और प्रोसेस बाकी है। उसके बाद ये यम्मी टेस्टी गुड़ बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी होता है। सो आप लोग वीडियो बने रहें, कंटिन्यू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू विद अनदर ब्लॉग। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में जंगल, पहाड़, झील, झरने का सैर नहीं कराऊंगा। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि गन्ने से कैसे गुड़ बनता है, क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कैसे किसान लोग मेहनत करते हैं, कैसे गन्ने को काटते हैं, कंधे पर लाद कर उसको लाते हैं मशीन के पास, जिसे कोल्हू बोलते हैं, उस कोल्हू में कैसे गन्ने की पिराई करते हैं, जो मेरे पीछे है। सो आप लोग वीडियो बने रहें और सारा प्रोसेस वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है और फाइनली कैसे लास्ट में गुड़ बनता है, कैसे उसको बनाते हैं लोग और चीज़ें। तो आज ये वीडियो जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप लोग ऐसे ही वीडियो बने रहें और प्यार ऐसे ही लुटाते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। कैसे गुड़ की पिराई करते हैं, कैसे उसको आग की भट्टी पर तपाते हैं, फिर कैसे ऐसे हाथ में लेकर उसको ऐसे ऐसे दबाते हैं। सो वीडियो बने रहें और वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। टिंग टिंग टिंग, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये है पहला स्टेप, जहाँ गन्ने की कटाई की जाती है। आप लोग देखिए, ये गन्ना काट कर गिराया गया है और ये मजदूर भाई लगे पड़े हैं गन्ना काटने में। और इधर दो फीमेल मजदूर हैं, ये क्या कर रही हैं, जो गन्ने के पेड़ में सूखी सूखी पत्तियाँ होती हैं और जो ऊपर हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, उनको इस गन्ने के पेड़ से अलग किया जाता है, ताकि गन्ने को पेड़ को कोल्हू में लगाया जाए और उसको पिराई कर रस निकाला जाए। जिसे आप लोग देखिए, इस कोल्हू में इस गन्ने को लगाया जा रहा है और रस को निकाला जा रहा है। यह ट्रैक्टर से ये कोल्हू चलाया जा रहा है और आप लोगों को मैं नज़दीक से थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए, रस निकल रहा है ना, इस मशीन के द्वारा रस निकाला जा रहा है। और ये देखिए पीछे, गन्ने से रस तो निकल जा रहा है, उसका जो खराब पार्ट, इसको बोल सकते हैं, खुज्जा बोलते हैं इसको, हम लोग खुज्जा बोलते हैं। इसका क्या होता है, इस जो खुज्जा को धूप में सुखा दिया जाता है, जब सूख जाता है ये, तो इस गन्ने को रस को कढ़ाई में गर्माया जाता है। तो गर्माया कैसे जाएगा, इसी खुज्जा को उस भट्टी में जलाया जाता है। और ये देखिए, फाइनली पट्टा उतारा जा रहा है। अब यहाँ से तीसरा स्टेप स्टार्ट होगा गाइस। तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो गन्ने के रस को निकाला गया है, अब बाल्टी के द्वारा इस गन्ने के रस को भट्ठे के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रखी जाती है, जिसमें इस रस को रखा जाएगा और फिर आग लगाकर धीरे 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 3 से 4 घंटे उसको गर्माया जाएगा। सो आप लोग देखिए आगे। गाइस, जैसा कि आप लोग देखे कि फाइनली गन्ने के रस को
अब इस कढ़ाई में डाल दिया गया है और मैं उस खोइए को, गन्ने के जो ख़राब पार्ट होते हैं जो मशीन से पीछे से निकल रहा था, उसको मैं अब धीरे धीरे करके मैं इस भट्टी में झोंक रहा हूँ जिससे आग जल रही है। और आप लोग देख सकते हैं कि कढ़ाई में कैसे वो रस अब धीरे धीरे उबलने लगा है और धुआं उसके उड़ रहे हैं। तो ये प्रोसेस होता है, ये चौथा स्टेज है। तो ऐसे कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली रस उबलने लगा है। और ये प्रक्रिया, आग जलाने वाली प्रक्रिया, ये भट्ठे वाली प्रक्रिया लगभग 3 से 4 घंटे चलता है। तो जो हमारे मजदूर थे वो थोड़ा दूसरा काम करने लगे, तो मैं बोला तब तक लाइए, आपका भट्ठा मैं संभालता हूँ, आप दूसरा काम कर लीजिए। तो 2-4-10 मिनट मुझे ही देखना पड़ेगा। गाइस, जैसा कि देख रहे हैं ये 5वां स्टेप स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेप में क्या होता है, जब गन्ने के रस को कढ़ाई में गर्म किया जाता है और जैसे ही वो उबलने लगता है, पहली बार जो उबलना स्टार्ट होता है, तो उसमें से कह सकते हैं कुछ कचरा निकलता है। तो उस कचरा को इस रस से निकाला जाता है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। मैं एक छननी के द्वारा उसको छान छान कर उस कचरे को निकाल कर इस डब्बे में भर रहा हूँ। अगर ये नहीं निकालेंगे तो इससे क्या होगा कि गुड़ काला हो जाएगा और थोड़ा सा स्वाद उसका भी ख़राब लगता है। तो ये करना पड़ता है, उस कचरे को पूर्ण रूप से निकाल दिया है। अब देखिए, ये 3 से 4 घंटे उबालने के बाद अब ये फाइनली उतरने के लिए तैयार है आग से कढ़ाई। और इसको देखिए ऐसे चला जाता है। अब यहाँ से टेस्ट होगा, ऊपर उठा कर टेस्ट किया जाएगा कि अब ये गुड़ बनने के लिए तैयार है कि नहीं। और इधर देखिए, भाई लोग बना रहे हैं गन्ने का रस और दही को मिक्स कर उसको पीने पर बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें थोड़ा सा नींबू भी मिलाते हैं। पकौड़ी कौड़ी लाया गया है, अब इसको हम लोग पियेंगे। यहाँ पर बहुत ही मज़ा आता है पीने में, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप लोग बने रहें वीडियो में। देखिए भाई लोग इसको उतार चुके हैं। अब यहाँ से इसको, जो कढ़ाई में आप लोग एक लकड़ी देख रहे हैं, अब उससे थोड़ा इसको चलाया जाएगा, टेस्टिंग होगा, थोड़ा इसको इसकी मड़ाई की जाएगी। और बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये प्रक्रिया कम से कम 10 से 15 मिनट चलेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे इसको खुरपा से, सो आप लोग देखिए इसको आगे। दोस्तों ये बिल्कुल रेडी है। आप लोग सोच रहे हैं कि एक समय कैसा था और ये अब कैसा हो गया। अब इसको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और फिर इसको हाथों के द्वारा छोटा छोटा गोला गोला बनाया जाएगा, गुड़ जैसा कि आप लोग देखे होंगे। गुड़ ये फाइनली बिल्कुल तैयार है, देखिए छोटा गोला गोला हाथों के द्वारा बनाया जाएगा। तो भाई, अब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। सेफ रहें, सुरक्षित रहें।